के हटा जिले में ओएनजीसी कैंप में निकले कोरोना के 12 मरीजों के बाद अब प्रशासन चिंता में है और लगातार कलेक्टर के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं कलेक्टर के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है उनको सेकंड डोज लेना है और इसका जो निर्धारण किया गया है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर ही कार्य करना है। क्या कुछ अपील की कलेक्टर एस कृष्ण चेतन ने आपको सुना देते हैं। पूरे दमोह वासियों से यही निवेदन है कि दमोह जिले के जो जितने भी लोग हैं जिसको फर्स्ट डोज लग के 84 दिन हो गए जो कोविशील्ड लगा लिए हैं और 28 दिन हो गए जो कोवैक्सीन लगा के हैं, सभी लोग जो है जो अपना नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे और वैक्सीन जो है अपना लगवा लेंगे। आज जैसे आप सभी लोग विदित भी हो, दमोह जिले में एक हफ्ते से अगर लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं तो 12 आज के डेट में केसेस जो है कोविड के हैं और सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो कोविड का प्रोटोकॉल का भी सभी लोग जो है वो पालन करें और सभी लोग जो है वैक्सीनेशन लेके अपना खुद को बचाइएगा, अपने परिवार की स्वास्थ्य के बारे में भी देखिएगा और परिवार को बचाइएगा और परिवार में किसी और को भी अपना वैक्सीनेशन लगने की जरूरत है तो सभी लोग जो है अपना जाके नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में लगाएंगे। इसके अलावा भी जो अपना फर्स्ट डोज जो है वो अगर किसी का अभी भी बचा हुआ है तो सभी लोग जो है अपना नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाके अपना वैक्सीन जो है वो लगवाएंगे। टीका जो है वो अपना जीवन रक्षा कवच है तो सभी लोग जो है अपना खुद का बचाव करेंगे, परिवार का बचाव करेंगे, जिला का बचाव करेंगे और देश का भी बचाव करेंगे।